हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकी कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की तरफ से आप लोगों का जो जेई यानी कि जनरल इलेक्टिव परीक्षा होने वाला है उसी से रिलेटेड आप लोगों का अपडेट निकल कर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली आप लोगों का यह अपडेट निकल कर आ चुका है। विनोबा भावे ने परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना जारी कर दी है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ, देखते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम कब से होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा या नहीं, और बीए बीएससी या बीकॉम सभी को ये एग्ज़ाम देना होगा, आगे जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे या जो नोटिस निकल कर आया आप लोगों का विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की तरफ से निकल कर आया है। और यह जो नोटिस है आप लोगों का, ये आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस है, ये कोई फेक नोटिस नहीं है। स्नातक सत्र 2015 से 18 से 2019 से 22 तक के जितने भी सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 तक के बीए कोर एवं बीएससी कोर के परीक्षार्थियों का एक ही विषय में यानी कि जनरल इलेक्टिव का परीक्षा लिया गया। परीक्षा पार्षद की बैठक दिनांक 15/5/2023 में लिए गए निर्णयानुसार छात्र के हित में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक एक अतिरिक्त जेई यानी कि जनरल इलेक्टिव विषय की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस परीक्षा में इच्छुक परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। सेमेस्टर 6 का अंक पत्र में मूल प्रमाण पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जेई अतिरिक्त विषय वह होगा जो संबंधित महाविद्यालय में पढ़ाई होती है एवं सरकार से उन विषयों में संबंधन प्राप्त हो। और देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, वो बीए और बीएससी के स्टूडेंट्स, बीए बीएससी कोर जिनका है उन लोगों का एग्ज़ाम होगा। कॉमर्स वाले बेफिक्र रहे, कॉमर्स वालों का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो देखिए, परीक्षा प्रपत्र भरने से पहले अपने अपने महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर जेई विषय का चयन कर ले, उसके उपरांत परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया का प्रारंभ करेंगे। आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, यानी कि जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा इसमें शामिल होना भी आप लोगों को कंपलसरी कर दिया गया है। और जो ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि है आप लोगों का 6/7/2023 से लेकर 26/7/2023 तक भरा जाएगा, और जो रिजेक्ट और एक्सेप्ट होगा वो 28/7/2023 तक होगा। और देखिए, आप लोगों का जो परीक्षा फी लगेगा, आप लोगों का ₹650 लगेगा चारों सेमेस्टर के लिए। और अगर आप लोग लेट करेंगे, 26 तारीख तक नहीं भर पाएंगे, तो जितने दिन बढ़ते जाएगा उसी के हिसाब से ₹100 आप लोगों का एक्स्ट्रा लगता चला जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, समय रहते आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा, कैफे जाइएगा और अपना फॉर्म का फिलअप कर लीजिएगा। एक बार आप लोग अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज से संपर्क जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।